आज आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे आप स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल लेके उसको कम बजट में और एक अच्छी क्वालिटी में टॉप मॉडल जैसा आप लुक दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये आई थी स्कॉर्पियो एस क्लासिक बेस मॉडल 2024 ब्लैक कलर गाड़ी, जिसको हमने कुछ अपग्रेडेशन करा है, टॉप मॉडल जैसा लुक दिया है इसको। बात करें फ्रंट की प्रोफाइल की, तो कंपनी से कुछ हेडलाइट आती थी इस टाइप से आती थी, जिसमें आपको DRL और प्रोजेक्टर नहीं मिलता था। तो इसमें हमने S11 क्लासिक वाली हेडलैम्प लगाई है, ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन, इसमें आपको LEDs का ऑप्शन आप मिल जाता है, वो भी आप अपग्रेड करा सकते हैं। फ्रंट की ग्रिल इसकी हमने अपग्रेड करी है, हमने इसमें क्लासिक की S11 वाली ग्रिल अपग्रेड करी है, जो कि टॉप मॉडल की आती है महिंद्रा जेन्युइन। फ्रंट में DRL हमने इसमें लगाई है, फॉग लैंप इसमें लगाई है महिंद्रा जेन्युइन। पेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी आप करवा सकते हैं, बट कस्टमर के पास टाइम नहीं था तो वो नहीं करवा पाए। उसके बाद में ये गाड़ी में ऑडियो सिस्टम लग के नहीं आता था, तो हमने इसमें ऑडिसन के ऑडियो अपग्रेड किया है इसके। हमने फ्रंट में हमने लगाया कंपोनेंट, रियर में हमने लगाया ऑडिसन की कोएक्सल। ऑडिसन एक मेड इन इटली ब्रांड है, साउंड आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, क्लियरिटी भी काफ़ी आपको अच्छी मिलती है इसकी। और जो सिस्टम इसमें कंपनी से नहीं आता था, तो सिस्टम हमने इसमें लगाया ऑनक्यो का, जो आपको 2 ईयर्स की वारंटी के साथ में मिलता है, लाइसेंस कार पे, लाइसेंस एंड्रॉयडो के साथ में। इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं मिलेगा और फुली एंड्रॉयड है, जापानीज प्रोसेसर है, DSP आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। साइड में कंपनी से आपको ये रिम मिलती है, तो ये रिप्लेस करके हमने इसमें लगा दिए ओरिजिनल के महिंद्रा जेन्युइन अलॉय व्हील, जिसमें देख सकते हैं ये महिंद्रा जेन्युइन है, हमारे ओरिजिनल टायर में ही लग जाते हैं, 17 इंच में आपको ये मिलता है। उसके बाद में ORV में कंपनी से लग कर आता था, इसमें जो मैनुअल आता था उसको रिप्लेस करके हमने इसमें एडजस्टिंग वाले ORVM लगाए विद इंडिकेटर के साथ में। ये टॉप मॉडल S11 जो क्लासिक है उसमें आपको देखने को मिलता है, वो भी इसमें हमने इंटीग्रेट किए हैं। साइड की तरफ आ जाएं तो साइड में फुटरेस इस गाड़ी में लग के नहीं आता था, तो वो भी हमने इसमें लगाया महिंद्रा जेन्युइन विद हमारे मडफ्लैप के साथ में। तो बात करते हैं इसकी रूफ रेल की, वो भी इस गाड़ी में लग के नहीं आती थी, तो वो भी हमने इसमें लगाई महिंद्रा जेन्युइन। तो देख सकते हैं ये बोल्ट फिटिंग वाली है, कोई भी इसमें आपको टेपिंग वाली नहीं मिलेगी, प्रॉपर बोल्ट फिटिंग वाली है, तो इसमें निकलने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को फेस होती है, तो वो भी हमारे पास आपको मिलने वाली महिंद्रा की जेन्युइन। तो अब चलते हैं इसकी रियर की प्रोफाइल की तरफ में। तो रियर की प्रोफाइल में सबसे पहले हमने इसमें लगाया स्पॉइलर, हमारा महिंद्रा जेन्युइन, ये हमारा बोल्ट फिटिंग वाला है, तो ये आफ्टर मार्केट नहीं, महिंद्रा जेन्युइन है, जिसमें आपको रियर वाइपर का भी आप इंस्टॉलेशन आप करवा सकते हैं। रियर की तरफ हमने एक वाइपर लगाया है, ये डमी वाइपर रहने वाला है, बाकी वर्किंग भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें हमने जो बूट में लाइट भी लगाई, ट्रंक लाइट लगाई है विथ हमारे LEDs के साथ में, जिसमें आपको मैट्रिक्स इंडिकेटर मिलता है। गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है लगने के बाद में, और पिलर में हमने लाइट भी इंस्टॉल करी है, जो कि गाड़ी के रियर प्रोफाइल और अपीलिंग बना देता है। और बात करें मोनो लगा दिया है S11 का, पीछे का हमने इसमें बुलगार्ड लगा दिया, जो कि आपको सेफ्टी भी देगा, और नीचे हमने लगा दिया इसमें रिफ्लेक्टर, जो गाड़ी की प्रोफाइल और अच्छी कर देता है। तो आप चलते हैं इसकी इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में सबसे पहले हमने इसमें टॉप मॉडल वाले क्लासिक के डोर पैनल लगा दिए विद हमारे पावर विंडो के साथ में। अभी आपको पावर विंडो सेंटर कंसोल में मिलती है, तो वहाँ से रिमूव करके हमने प्रॉपर यहाँ पे पावर विंडो लगा दी, डोर पैनल लगा दिए, वर्किंग रहने वाला है ये। उसके बाद में इंटीरियर में आते हैं, तो इसमें हमने ओरिजिनल वाले हमारे एस्टोनिश ब्रांड के बकेट फिटिंग वाले सीट कवर लगा दिए, जो कि आपको टॉप क्वालिटी के मिलने वाले, 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है। फिटिंग फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ब्लैक रेड इसमें कॉम्बिनेशन हमने रखा है। आमरेस भी इसमें हमने लगा दिए, महिंद्रा के जेन्युइन वाले हमारे, तो ये भी हमारा पार्ट आपको मिल जाएगा, आमरेस भी लग जाएंगे इसमें। 70 मैटिंग इसमें ऑप्शन आपको हमने इसमें लगाई है, हमारे सबसे प्रीमियम क्वालिटी की। फिर इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो स्टेयरिंग पे कंट्रोल नहीं आते थे गाड़ी में लगकर, हमने वो भी इसमें इंटीग्रेट करें, जो कि हमारे प्लेयर के साथ कैलिब्रेटेड है। जो हमारा मिरर हमने लगाया है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एडजस्टिंग का स्विच भी लगाया है, जिसमें आप प्रॉपर इसको मिरर को एडजस्ट भी कर सकते हैं अंदर से। पहले आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता था, जब बेस मॉडल आप गाड़ी लेते हो तो इसमें आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। स्टेयरिंग पे हमने रैप भी कर दिया है, जो कंप्लीट आपको एक टॉप मॉडल जैसा लुक देने वाला है। और बात करते हैं एक बार सिस्टम की क्वालिटी की, तो इसमें प्रॉपर आपको DSP इनबिल्ट मिलता है, और टच क्वालिटी सुपर स्मूथ रहने वाली है। एप्पल कारप्ले आपको लाइसेंस मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो लाइसेंस मिलता है, 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है ऑनके ब्रांड की तरफ से, तो सुपर स्मूथ टच क्वालिटी है। तो कंप्लीट ये गाड़ी अब हो गई है, अब हम गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो यही थी कंप्लीट मॉडिफिकेशन ये स्कॉर्पियो क्लासिक जो बेस मॉडल हमारे पास आई थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया है। अभी कुछ कुछ चीज़ें इसमें बाकी रह गई हैं, वो हम इन फ्यूचर टाइम की वजह से अपग्रेड नहीं कर पाए, वो इन फ्यूचर अपग्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप भी स्कॉर्पियो बेस मॉडल प्लान कर रहे हैं, तो आप आज ही आ सकते हैं हमारे स्टोर पे, या नीचे दिए नंबर पे मैसेज करके कोटेशन भी ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।